सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मनीष सिंह और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम कुछ नया कवर अप करेंगे कि अगर हम जो है डिजाइन और टीजीएम इंफोटेक के ऊपर कोई पोस्ट क्रिएट करके डालना चाहें तो हम किस तरीके से अपनी पोस्ट को जो है अपलोड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी और किस तरीके से हमें अपना बैनर डिज़ाइन या पीएचडी डिज़ाइन वगैरह जो भी बना रहे हैं हम वो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास में एक ऑलरेडी डिज़ाइन रेडी पड़ा है इस तरीके का। अच्छा, पहली चीज़ याद रखना, जब भी आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद में आपके पास में जो आपकी पीएचडी की लेयर्स हैं उनको अच्छे से डिफाइन कर देना कि क्या लेयर किस लिए होती है, तब आपके पास में जो आपकी पोस्ट जो इजीली अप्रूव हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास में सिर्फ एक लेयर को चेंज करना है, बाकी सारी चेंज होंगी, तो इसलिए मैंने उसको उसकी जो आई है उसका कलर, उस लेयर का कलर कर दिया रेड है। ठीक है, उसके अंदर मैंने नाम लिख दिया कि चेंज योर डिज़ाइन ही है, जिससे कि साफ सबको पता चल रहा है। ठीक है, सेंटर के डिज़ाइन के लिए मैंने एक फोल्डर बना दिया जिसके अंदर मैंने सेंटर डिज़ाइन नाम से एक लेयर बना दी है। फिर बॉटम डिज़ाइन थी, जो दोनों डिज़ाइन हैं इनके अंदर दो अलग अलग लेयर्स हैं, तो इसलिए दो अलग अलग फोल्डर्स और उनके अंदर दो अलग अलग लेयर्स बना दिए हैं। ठीक है, और सेम फॉर द टॉप, ऐसा ही टॉप के लिए भी किया है मैंने लाइक दिस। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास में बैकग्राउंड लेयर, दैट इज़ फाइन। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी जो भी अगर आप पीएचडी बना रहे हैं तो उस तरीके की आपके पास में सारी नेमिंग होनी चाहिए कि क्या लेयर किस लिए काम कर रही है। ठीक है जी, अच्छा फिर इसके बाद में आपको इसको सेव कर लेना है, पीएचडी भी जेपीजी भी। ठीक है, तो मैंने सेव कर रखा है तो मैं सेव और नहीं कर रहा। चलो अब चलते हैं, यहाँ पे आना आपको अपने एक डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पर जाना है आपको क्रिएट पोस्ट के ऊपर, यहाँ पर जाना है सबसे ऊपर जेपीजी। पहली आपकी जेपीजी होगी जो आपके थंबनेल, यानी कि आपके पास में अगर आपके पोस्ट पे यूज़र आता है तो उसको कौन सी वाली फ़ोटो दिखाई दे, तो आपको जो है आपको वहाँ पर देख लेना है कि कौन सी वाली फ़ोटो, लाइक अभी मेरे को ये वाली फ़ोटो चाहिए, मैंने क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको किस टाइप की पोस्ट दिखाई देगी अगर पोस्ट हो जाने के बाद, अप्रूव होने के बाद, वो भी आपको यहाँ साइड पर जो है प्रीव्यू मिलता रहेगा। ठीक है, अदर फाइल्स के अंदर आपको जो मेन फाइल थी जो अपने थंबनेल पर लगाई है वो भी डालनी है और साथ ही साथ पीएचडी भी डालनी है। क्लिक करते हैं एंटर, आपके पास में ये दोनों फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 फाइल्स सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते सेलेक्ट। पोस्ट टाइटल के अंदर मेरे पास टाइटल एक बना बनाया है, तो आप जो है आप खुद का बना करके डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जॉइन द मूवमेंट ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन विद आवर बैनर। ठीक है, सेम फॉर द डिस्क्रिप्शन, मेरे पास ऑलरेडी बना बनाया है तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा स्टफ को, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ पे जो टाइटल डाला वो यहाँ पर हमारे उसमें दिखने लग गया है, यहाँ पर हमारे उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो भी दिखने लग गया और ये लाइव है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे वहाँ पे लाइव अपडेट होता रहेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इसको सेव करते हैं, सॉरी नॉट सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे उसमें फ्री लिख करके आ रहा है, क्यों लिख करके आ रहा है अभी देखना। अच्छा, पहले नंबर पे यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपकी किस कैटेगरी के अंदर जा रहा है। अब लेट्स से अभी ही तो हमारे पास में ये जो डिज़ाइन है ये एक्चुअली एक डिज़ाइन करके कैटेगरी है, उसी के अंदर फॉल हो रहा है लाइक ये वाली डिज़ाइन वाली। बट इफ़ इन केस आपके पास में एक ऐसा आपने बैनर बनाया है जो कहीं पर भी फॉल नहीं कर रहा, यहाँ पर आपके पास में वो कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सिंपली कैटेगरी का नाम डालना, दैट्स इट। अब लेट्स से मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लेट्स से क्योंकि हमारे पास में ये डिज़ाइन है तो अपन कुछ और डाल सकते हैं लाइक इलस्ट्रेशन, यानी चलो फॉन्ट डिज़ाइंस करके। तो अगर आप ऐसे करके भी आगे बढ़ना चाहो आप बढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि हमारे उसमें ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं बैक चले जाऊँगा यहाँ से सीधा और जाके इसको डिज़ाइन को ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली हमारे पास में तब काम आते हैं अगर कोई बैनर सर्च कर रहा है, अगर कोई सर्च कर रहा है ना डिज़ाइंस तो मेरा बैनर आना चाहिए, तो हम यहाँ पे कीवर्ड्स डालते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ टाइप इन किया डिज़ाइंस, एंटर किया तो आपका ऐसा कीवर्ड बन जाएगा और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स शो होते हैं, तो आपको स्टार्टिंग के एटलीस्ट 4-5 कीवर्ड्स ऐसे डालने हैं जो कि आपकी यहाँ पर साफ साफ दिखे, बिकॉज आपकी पोस्ट पे सिर्फ कुछ ही कीवर्ड्स दिखते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के लिए तो हम चलते सीधा designer.tgminfotech.com पर, तो यहाँ पर देखो कुछ ही कीवर्ड्स दिखते हैं, बाकी सारे कीवर्ड्स नहीं दिखते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हो लाइक मैंने इस पर क्लिक किया, तब अगर आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलते हैं, देखो ये सारे के सारे वही कीवर्ड्स हैं जो उसने डाला होगा जिस यूज़र ने, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो होंगे, है ना।
तो यहाँ पर आपको डाल देना है जो भी आप कीवर्ड्स यहाँ सामने शो कराना चाह रहे हो, लाइक डिज़ाइंस हो गया है ना, और यहाँ पे हम डाल सकते हैं फॉन्ट डिज़ाइंस, ठीक है, एंटर करते हैं। और भी अगर आपन डालना चाहे आप डाल सकते हैं, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 4-5 कीवर्ड्स आप यहाँ पर डाल ही दें, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉन्ट डिज़ाइंस हो गया, और एक हो जाएगा हमारे पास में टाइपोग्राफी, एक लिख देते हैं बैनर डिजाइन, ठीक है। अभी अपन इतना ही डाल रहे हैं, आपके ऊपर है, आप कितने भी डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, बट इसकी भी एक लिमिट है, जब आप लिमिट पे पहुंच जाओगे आपने आप आपका सिस्टम बता देगा कि आप इतनी लिमिट पे पहुंच चुके हो, इससे आप कीवर्ड्स नहीं डाल सकते, ठीक है। अच्छा, फिर आता है क्या आप इसको फ्री रखना चाहते हो या प्रीमियम। ऑलरेडी ये फ्री पे है तो इसलिए आपको फ्री दिख रहा है। यहाँ पर प्रीमियम में जाओगे तो ये देख लो, यहाँ पर आपको प्रीमियम वाला देखने को मिल जाएगा। और अगर प्रीमियम है तो कितना प्राइस आप इसका रखना चाहते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। अगर सामने जो अप्रूवल टीम है अगर उनको आपका प्राइस ज़्यादा लगेगा तो वो आपका हो सकता है कि आपकी पोस्ट रिजेक्ट कर दें, है ना। तो आपको प्राइस कम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, स्टार्टिंग में कम डालो। अगर आपका लग रहा है ना कि आपका बैनर काफ़ी अच्छा बना है और इतना ये वर्थ करता है तो आप बिल्कुल डाल सकते हो, है ना। बिकॉज सामने जो अप्रूवल टीम है वो भी समझती है कि भाई किस तरीके से आपका ये जो बैनर है वो कितना ज़्यादा प्रीमियम है, है ना। अगर वो उस प्राइस रेंज का होगा तो आपका आपका बैनर जो है बिल्कुल अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अपन इसको लेट्स से प्रीमियम रख के अपन चलते हैं, और ये ज़्यादा कोई प्रीमियम में है नहीं तो अपन लेट्स से 99 रुपीज़ का, अच्छा इसमें रुपीज़ में चलता है तो आपको 99 जो भी आप करना चाह रहे हो रुपीज़ में रखना है ना। ओके, तो ये सारी डिटेल्स होती हैं जो आपको चाहिए होंगी, एंड देन आपको क्लिक करना है सबमिट और वेट फॉर अ वाइल, क्योंकि ये अब आपका अपलोड हो रही है, ठीक है। और जैसे अपलोड होगी ये सीधा चले जाएगी फॉर अप्रूवल वाले पेज के ऊपर। लेट्स वेट। राइट, तो ये आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास में पूरी की पूरी जो इमेज आ गई है और पूरी पोस्ट आ गई है। क्लिक कर सकते हो आप इस पर, है ना। हो सकता है आपकी कुछ गलतियाँ रह गई हो तो अगर आप इसको कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हो आप यहाँ पे आके एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे कुछ करना था एडिटिंग, आप कर सकते हो, उसके बाद सेव करोगे सबमिट करोगे इट विल वर्क, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट याद रखना अगर आपकी पोस्ट एक बार रिजेक्ट हो गई वो एडिट नहीं हो सकती, अगर आपकी पोस्ट एक बार अप्रूव हो गई वो भी एडिट नहीं हो सकती। तो कुछ भी डालना है वो आपको पहले ही डालना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को उसको फ्री करना था, मैंने फ्री कर दिया, जस्ट क्लिक सबमिट, और आप अगर आप देखेंगे ये देखो पहले प्रीमियम आ रहा था, फ्री आ गया है और बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है जी। सो इस तरीके से अब ये जो फॉर अप्रूवल के लिए चले गई है, अब ये चले गई है अप्रूवल टीम के पास। तो जैसे वो देखेंगे इसको अप्रूव करेंगे फिर हमारी पोस्ट ये यहाँ से हट करके हमारी माय पोस्ट में आ जाएगी, और हमारे पास में यहाँ पर जो अपनी वेबसाइट है इसके ऊपर सबसे ऊपर न्यू रिलीज के अंदर यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो किसी भी पोस्ट को यहाँ पर जो डाल सकते हो, ठीक है। तो फिर अपन मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो अपने design.tgminfotech के ऊपर अपने क्रिएटर अकाउंट के अंदर कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।